हेलो एवरीवन, मैं हूं आनंद मेहता और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। खबरें बहुत ज़्यादा है वेदांता को लेकर के और हिंदुस्तान जिंक ने तो आज डिविडेंड भी अनाउंस किया, तो डिविडेंड का कितना पैसा वेदांता को मिला है वीडियो में जानेंगे और वेदांता को लेकर के जो डेप के खबरें चल रहे हैं वो कहाँ तक सही है बाजार के लिए और वेदांता के लिए ये भी जानेंगे वीडियो में जानेंगे सब कुछ। और खास करके हम ये डिस्कस करेंगे कि अभी कहाँ पर बाइंग के मौके बन रहे हैं या फिर धोखे बन रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो जनरल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन वेट कीजिए क्योंकि फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अगर मैं पिछले दिन की बात करूं तो देखिए यहां पे ना थोड़ी तेजी थी, गिरावट नहीं, हालांकि अगर मैं कल के दिन का बाजार का डेटा बताऊं तो बाजार हल्की प्रेशर में था, गिरावट थी थोड़ी। पिछले पाँच दिनों की बात करें 0.32% की तेजी है और इस बीच जो गिरावट था 277 रुपये के आसपास ये शेयर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। एक महीने की बात करें 1.19% की तेजी और पिछले एक छः महीने की बात करूँ 11% की गिरावट है लगभग। लेकिन इस बीच जो डिविडेंड मिला है वो डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा मिला है, वेदांता डिविडेंड के लिए जाना जाता है और उसने भर भर के डिविडेंड दिया निवेशकों को। और डिविडेंड को अगर मिला के यहाँ पर काउंट किया जाए तो छह महीने में भी पैसा बना है, निवेशक जो है वो नुकसान में बिल्कुल भी नहीं है। और यहां पे अगर इस पूरे साल की बात करें तो 11.25% की गिरावट है और सेम मैं कहूंगा कि यहां पे भी ये सेम चीजें देखने को मिल रही है कि गिरावट जो नुकसान है गिरावट में वो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे डिविडेंड का भी यहाँ पे एडजस्ट किया जाए और जिस हिसाब से डिविडेंड मिला है ना निवेशकों को, कोई उतनी बड़ी गिरावट देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रही हमें। देखिए पिछले एक साल की बात करूँगा 25.38% की तेजी है। पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में बढ़िया डिविडेंड मिला था, इस साल भी अब तक कंपनी दो तीन बार डिविडेंड दे चुकी है और अभी भी शेष बचा हुआ, आगे भी डिविडेंड देगी। पिछले पाँच साल में 33.45% की तेजी है और इस बीच जो गिरावट था एक बार लो बनाया था जो कोविड के टाइम 63.75 रुपीज़ का, वहाँ से भागा था 137 रुपए के आसपास बनाया था और अभी 95 का फिर से लो बनाया था इसने, फिर वहां से भागता गया डिविडेंड भी देता गया, भागता गया कंपनी और अच्छी रेंज में प्रॉफिट भी करती रही और यहां से बढ़िया 425 रुपए का एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग यहां पे देखने को मिली प्रॉफिट। लेकिन उसके बाद यहां पे हल्की गिरावट आई, गिरावट में ये स्टॉक 292 रुपये पे गया, फिर वहाँ से नीचे आया 224 रुपये पे गया और फिर हल्की यहाँ पे तेज़ी आई और अभी देखिए जो 319 रुपये का इसमें एक तेज़ी था वहाँ से गिरावट आई और अभी जो स्टॉक है 280 रुपये के आसपास ये ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए जिस खबर के मैं बात कर रहा हूँ, जिस खबर के आप वेट कर रहे हो, ये खबर है हिंदुस्तान जिंक डिक्लेयर्स इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹7 पर शेयर, वेदांता गेट 1920 करोड़। देखिए वेदांता जो है वो हिंदुस्तान जिंक का प्रमोटर है और गवर्नमेंट भी प्रमोटर है, तो वेदांता को 1920 करोड़ का यहाँ पे डिविडेंड मिला है और ये जो डिविडेंड है वेदांता अपने डेप्ट को रिपेमेंट करने में कम यूज़ करेगी। हिंदुस्तान जिंक हैज़ अप्रूव एज इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹7 पर इक्विटी शेयर एट अ बोर्ड मीटिंग हेल्ड टुडे। दिस इज द फर्स्ट डिविडेंड पे आउट बाय द कंपनी इन फाइनेंशियल ईयर 2024। देखिए क्वार्टर वन है ये फाइनेंशियल ईयर 2024 का और क्वार्टर वन का ये पहला डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस हुआ है ₹7 का, आज ही के बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर हुआ है। रिकॉर्ड डेट हैज़ इंटरिम डिविडेंड पे आउट हैज़ बीन फिक्स एज अ 15 जुलाई 2023 अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्सचेंजेस फाइलिंग। 15 जुलाई का यहां पे रिकॉर्ड डेट है, इससे पहले जिसके पास भी ये शेयर रहेगा 15 जुलाई तक उसको ये डिविडेंड के लिए वो एलिजिबल होंगे। द डिविडेंड अनाउंसमेंट विल रिजल्ट एज एन ओवरऑल पेआउट ऑफ ₹2957 करोड़। देखिए ये जो डेटा है वो महत्वपूर्ण रहता है, 2957.72 करोड़ का यहां पे डिविडेंड मिला हुआ है जिसमें से जो 1920 करोड़ का जो है वो वेदांता के पास है। वेदांता के पास यहाँ पे मेजोरिटी होल्डिंग है, ज़्यादा स्टॉक ये होल्ड करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो वेदांता के बाद जो सबसे बड़ा होल्डिंग है वो गवर्नमेंट के पास है, तो 29.5% के जो लमसम में गवर्नमेंट भी यहाँ पे वेदांता में अपना होल्डिंग रखती है और केवल वेदांता को ही नहीं हिंदुस्तान जिंक में जो भी डिविडेंड मिले हैं वो गवर्नमेंट को भी गया और गवर्नमेंट को भी 875 करोड़ के लमसम में उनको भी एक डिविडेंड अमाउंट गया है, बढ़िया पेआउट मिला है। द डिविडेंड अनाउंसमेंट विल रिजल्ट ऑन अप्रूवल पेआउट ऑफ ₹2957 करोड़ फॉर द कंपनी। हिंदुस्तान जिंक हैज डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ ₹75.5 इन फाइनेंशियल ईयर 2023। देखिए पिछले साल बढ़िया डिविडेंड दिया है, 75 रुपये का डिविडेंड दिया है कंपनी ने। द फाइनल डिविडेंड अनाउंसमेंट दैट मेड इन मार्च दिस ईयर हैड ड्रेन्ड बाय द कंपनी ऑफ ऑल इट्स कैश ऑन द बुक्स एंड इट हैड टर्न इनटू अ नेट डेट कंपनी फ्रॉम नेट कैश वन। देखिए
डिविडेंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा निकाली है कंपनी, और उस हिसाब से पैसे अगर नहीं बनाएगी तो दिक्कत में तो थोड़ी बहुत आएगी ही, क्योंकि एक तो आप डेप्थ में हो और ऊपर से आप पैसे पे पैसे डिविडेंड दे रहे हो और आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल भी नहीं है तो प्रॉब्लम आती है। दिस इज़ ऑल्सो द लोवेस्ट इंटरिम डिविडेंड अनाउंसमेंट दैट द कंपनी हैज़ मेड इन द लास्ट 3 ईयर्स। देखिए पिछले 3 साल के क्वार्टर्स की मिलाकर के बात करूँ या पिछले 3 साल में जितने भी डिविडेंड यहाँ पे मिले हुए मई 2020 से लेकर के अब तक, तो ये सबसे कम है। देखिए मई 2020 में 16.50 रुपये का मिला था, अक्टूबर 2020 में 21.03 रुपये का, दिसंबर 2021 में 18 रुपये का, फिर जुलाई 2022 में 21 रुपये का, नवंबर 2022 में 15.50 रुपये का, जनवरी 2023 में 13 रुपये का और मार्च 2023 में 26 रुपये का। पिछले बार जो डिविडेंड मिला था ना वो सबसे ज़्यादा मिला था लगभग 26 रुपये का, और जुलाई 2023 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 7 रुपये का डिविडेंड मिला, सबसे कम डिविडेंड है ये। और एक्चुअली मैं एक चीज़ और यहाँ पे डिस्कस करूँगा, बेस्ड ऑन द शेयर होल्डिंग पैटर्न हिंदुस्तान जिंक डिविडेंड अनाउंसमेंट विल रिजल्ट इन विंडफॉल ऑफ ₹1920 करोड़ फॉर वेदांता लिमिटेड विच होल्ड्स 64.92। देखिए 64.92% जो स्टेक है, लगभग 65% का जो स्टेक है वो यहाँ पे वेदांता होल्ड करती है हिंदुस्तान जिंक में। पेरेंट स्टेक इन द कंपनी नियरली ऑल ऑफ विच इज़ प्लेज। और देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है, जो जितनी भी उनकी गिरवी है ना, जितने भी शेयर वहाँ पे ये होल्ड करते हैं वो सारे के सारे शेयर जो है गिरवी है। इंटरेस्टिंगली हिंदुस्तान जिंक डिविडेंड अनाउंसमेंट कम राइट बिफोर सम डेप्थ पेमेंट टाइमलाइन फॉर वेदांता रिसोर्सेज बिटवीन July 21 and September 11। वेदांता हैज़ कूपन रिपेमेंट वर्थ $152.2 मिलियन और 1250 करोड़ लाइनअप। देखिए यही मैं आपको बताना चाह रहा था, देखिए जुलाई 2021 से सितंबर 2011 के बीच में बहुत सारे जो रिपेमेंट्स है वो करने हैं नियरली यहाँ पे 1250 करोड़ के आसपास का, और यही जो डिविडेंड अनाउंसमेंट के बाद जो ये पैसे 1920 करोड़ के लमसम में मिली है कंपनी वो अपने डेप्ट को चुकाने में कम करेगी। यहाँ पे जब जब डेप्ट को चाहिए होता है, जब भी रिपेमेंट करने होते तो वेदांता ऐसा ही करता है। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ बताए हुए, ऐसा नहीं कि आज डिविडेंड मिला है तो मैं हिंदुस्तान जिंक के बारे में आज बात कर रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस वगैरह बनाए हैं जिसमें मैंने क्लियरली कहा हुआ है कि अगर डिविडेंड की सबसे ज़्यादा किसी को जरूरत है वो तो वेदांता को है, वेदांता रिसोर्सेज को है। करंटली हिंदुस्तान जिंक हैज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वर्थ 10,061 करोड़ एंड टोटल बोरोइंग टू द टर्न ऑफ 11,841 करोड़। देखिए जो कर्जे हैं इनके बढ़ते जा रहे हैं, और एक्चुअली अगर ये कंपनी अच्छे से परफॉर्म नहीं करती तो आने वाले टाइम में और भी दिक्कतें देखने को यहाँ पे मिल सकती है। और एक्चुअली कल की अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम्स की तो यहाँ पे 84 लाख से भी ज़्यादा का वॉल्यूम ट्रेडेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़ी वॉल्यूम कह सकते हैं इसको क्योंकि। और इसके अलावा मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा एक दो और मेजर चीज़ों की कि देखिए अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर यहाँ पे 82% लोग बाइंग की रिकमेंडेशन कर रहे हैं, 9% सेल करने की और केवल 9% होल्ड करने की। और यहाँ पे मैं जो डिविडेंड की बातें कर रहा हूँ ना, कंपनी हिंदुस्तान जिंक के अलावा यहाँ पे अपनी खुद की कंपनी वेदांता से भी अच्छा खासा डिविडेंड निकाल चुकी है। इस साल लगभग 51.50 रुपये का डिविडेंड यहाँ पे निकाल ली, पहले तो 12.50 रुपये का ली और 20.50 रुपये का, फिर 18.50 रुपये का। तो जहाँ भी जरूरत पड़ रही है जैसे तैसे करके कंपनी जो फंड रेज कर रही है, शेयर गिरवी करके रख ले रही है फंड, उसके बाद यहाँ पे लोन ले रही है, डेप्थ ले रही है और भी ज़्यादा, उसके साथ ही ये कंपनी खुद की कंपनी से डिविडेंड पे डिविडेंड निकाल रही है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको ऐड करना चाहूँगा कि अभी ये 6 महीने ख़त्म होने में बचे हुए इस साल को 2023 को, और इस बार मुझे लगता है 1 से 2 बार यहाँ पे डिविडेंड और भी मिलते हुए नज़र आएंगे आपको। और ये मैं इतनी कॉन्फिडेंट के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर डिविडेंड को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी को है तो भैया वो वेदांता को है, वेदांता रिसोर्सेज को है। और देखिए आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ आता होगा कि जब वेदांता इतना पैसा कमाती है तो ये डिविडेंड क्यों नहीं, अपना जो डिविडेंड क्यों देती है, यही पैसे से डेप्थ क्यों नहीं चुका लेती और डिविडेंड नहीं देना चाहिए था। सो देखिए ये चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं एक बात करूँगा कि जो वेदांता और हिंदुस्तान जिंक जो दोनों के जो पेरेंट कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज पे है, और जो डेप्थ है ना वेदांता रिसोर्सेज के ऊपर है, तो वो चीज़ें करती है जो करती है। सो और यहाँ तक मैं बात करूँगा इसके फाइनेंशियल्स की, तो फाइनेंशियल्स भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अकॉर्डिंग टू ग्रोथ 46% लोग बाइंग करने की रिकमेंडेशन कर रहे हैं, होल्ड करने के 31% और सेल करने के 23%। और देखिए जहाँ तक मैं बात करूँगा रेवेन्यूज़ की, तो क्वार्टरली रेवेन्यूज़ ना थोड़े और डिफरेंट तरीके से हुए हैं लेकिन अभी संभलते हुए नजर आए। 29,822 करोड़ का इनका रेवेन्यू था मार्च 2022 में, वहां से इनका 38,622 करोड़ का हुआ
उसके बाद 36,654 करोड़ का, फिर 34,102 करोड़ का। देखिए पिछले साल मार्च में ना बढ़ा था, उसके बाद यहाँ से ना घटते हुए थे अचानक, टोटल में घटे हुए, और फिर केवल मार्च 2023 में इस साल 37,930 करोड़ का हुआ प्रॉफिट। भी अगर मैं क्वार्टरली देखूँ तो देखिए पहले घट रहे थे प्रॉफिट, 5799 करोड़ से इनका घटा 4421 करोड़ हुआ, फिर घटा 1808 करोड़ हुआ, और फिर बढ़ा 2464 करोड़। देखिए प्रॉफिट ना बढ़े नहीं है, लेकिन डिविडेंड पिछले साल भी दिया है, बढ़िया डिविडेंड दिया यहाँ पे। और फिर दिसंबर 2022 में 2464 करोड़ का हुआ, मार्च 2023 में 8181 करोड़ का, 1881 करोड़ का माफ कीजिएगा, 1881 करोड़ का हुआ था। उसके बाद अगर देखिए हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन तभी रखेंगे आगे फ्यूचर के लिए कि ये यहाँ पे जो कैंडल्स है ना वो बड़े बड़े कैंडल्स बनाए। बिजनेसेस में डेप्थ वगैरह अगर कंपनी पैसा बनाएगी तो कोई इशू नहीं है, डेप्थ भी चुका सकती है वो, और यहाँ पे अपना डिविडेंड भी अच्छा खासा पे आउट कर सकती है, लेकिन पैसे उनको बनाने पड़ेंगे। पैसे नहीं बनाएंगे तो ये जो नंबर्स है वो मार्केट उसको उतनी ज़्यादा पॉजिटिव वे में बिल्कुल भी नहीं लेगी। और देखिए यहाँ पे अगर मैं ईयरली प्रॉफिट की बात करूँ तो 7,065 करोड़ का इनका ईयरली था 2019 में, वहाँ से लॉस था कोविड में 6,664 करोड़ का, वहाँ से बढ़ा 11,602 करोड़ का हुआ 2020 में, 2022 में 18,802 करोड़ का हुआ, और 2023 में 10,574 करोड़ का। तो देखिए 2022 में बढ़िया प्रॉफिट था यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, लेकिन क्वार्टरली घटे थे, एक बार प्रॉफिट हुआ उसके बाद लगातार घट रहे थे। सो ये चीज़ें हैं, बट मैं यही एक्सपेक्टेशन रखूंगा। रेवेन्यूज बढ़ रहे ठीक है 147,308 करोड़ का रेवेन्यूज रहा था मार्च 2023 में, तो एक अच्छा साइन कह सकते हैं कंपनी के लिए। पी रेशियो के बारे में बात करूंगा, 9.9 देखिए 9.83 रुपये का पी रेशियो है, सेक्टर पी ए 20.67 रुपये का है, और टिकट टाइप के एनालिस्ट के अकॉर्डिंग 43% टिकट टाइप के एनालिस्ट आपको बाइंग के रिकमेंडेशन कर रहे हैं। देखिए होल्डिंग के बारे में बात करूँगा, क्योंकि ये जो कंपनी है ना उसमें होल्डिंग का जो खेल है ना, शेयर पैटर्न होल्डिंग सारा खेल भैया यहीं पर हो रहा है, ठीक है। 68.11% की जो होल्डिंग है वो यहाँ पे प्रमोटर वेदांता ग्रुप है, और देखिए 60 इनका पूरा प्लेज किया हुआ है लगभग, अभी ये डेटा गलत बता रहा है, 90-95% के आसपास इनका प्लेज किया हुआ है। म्यूचुअल फंड 0.45% पे है, हालांकि ये म्यूचुअल फंड हल्की हल्की गिरावट देखने को मिल रही है यहाँ पे, म्यूचुअल फंड में हल्की हल्की ये लोग बिकवाली करते नजर आ रहे हैं, पता नहीं इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस कंपनी और बिजनेस को लेकर के। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें 9.75%, और फॉरन इंस्टीट्यूशन 7.89, रिटेल और अदर की बात करूँ 13.80% पर रिटेल और अदर्स है, जिसमें से रिटेल बंदों की अगर मैं बात करूं 9.27% और अदर पार्टीज 4.53% की एक स्ट्रॉन्ग होल्डिंग पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। फंड हाउसेस, दो ही फंड हाउसेस है यहाँ पे, डोमेस्टिक भी है और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी है, लेकिन म्यूचुअल फंड नहीं है, ठीक है। म्यूचुअल फंड बहुत कम मात्रा में 0.45% में, और मुझे लगता है ये धीरे धीरे जो अपना होल्डिंग है ना वो कम करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोज बनाए थे इसके ऊपर। दिसंबर 2022 में ना 1.19 का था, उसके बाद इनका घटा है 0.45, पहले बढ़ रहे थे लेकिन अचानक जून के बाद ना इन्होंने सितंबर में बड़ी बिकवाली करी, ठीक है, फिर वहाँ से हल्की खरीदारी करी थी और फिर उससे भी ज़्यादा बिकवाली करी इन्होंने। तो देखिए इनका पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिल रहा है कि ये इतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है वेदांता को लेकर के। और जहाँ तक मैं फ्रेश बाइंग की बात करूँगा तो जो फ्रेश बाइंग के मौके बन रहे हैं वो 250-270 के आसपास अगर आपको मिलता है तो बेशक यहाँ पे फ्रेश बाइंग के, फ्रेश एंट्री के मौके देख सकते हो। हालांकि इस बीच आता हुआ आपको जरूर मिलेगा, ये मुझे देखने को जरूर मिलेगा इस बीच और जहाँ पे आप अपने खरीदारी के मौके देख सकते हो। और जहाँ तक मैं बात करूँगा लॉन्ग टर्म की प्रोस्पेक्टिव से, तो लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ऐसी कोई इशू नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं डीलिस्ट हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे बिजनेस बता रहा हूँ, मैं फंडामेंटल्स कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे डिसीजंस कंपनी ले रही है सेमीकंडक्टर बिजनेस में, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, तो ये चीज़ें आगे जा सकता है बहुत ज़्यादा। और मैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ वेदांता में। आप क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन भी हिट कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे वीडियोस है, कंटेंट है जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।